हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड आज हमारे हाथ में है बेरोजा की दरी, जो कि मैंने पंसारी की शॉप से ख़रीदा है इसको। और ये इतना सारा बेरोजा मेरे लिए मात्र 20 रुपये में मिला है। तो देख सकते हैं कितना सारा बेरोजा हमारे लिए 20 रुपये में मिल चुका है। तो इससे हम ब्लैक पेस्ट बनाने वाले हैं, जो कि मार्केट में आपने बहुत सारे महंगे से महंगे ब्रांड के अपने ब्लैक पेस्ट देखे होंगे और ख़रीदे भी होंगे। तो वो ब्लैक पेस्ट इसी डरी से बनता है। तो ये बेरोजा है जो कि पंसारी की शॉप पर मिलता है। अगर इसका आप नाम इंग्लिश में लें तो इसे रोजिन बोलते हैं। तो अगर आपके पास रोजिन की डिब्बी है या फिर मार्केट से डिब्बी खरीदी है तो इससे कंपेयर करें तो आपको बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ये रोजिन की ही डरी है। रोजिन इंग्लिश का वर्ड है और बेरोजा हिंदी का वर्ड है। तो देख सकते हैं इसकी कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम है, और थोड़ा जो रोजिन पेस्ट है वो फिल्टर हुआ है इसलिए थोड़ा अंतर है। और जो पंसारी लोग हैं वो एक डिब्बे में रखते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर टच होता है तो उस पर बदलाव आ ही जाता है, आप खुद समझ रहे होंगे। तो मैं इसे 20 रुपये का लिया है, जो कि यहाँ पर 100 ग्राम दिया है और उसके पास ये बेरोजा ख़त्म होने वाला था तो यहाँ पर चिरकुट भी भर दिया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम चिरकुट को ही यहाँ पर यूज करेंगे, इसका चूड़ा है उसको ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर आपको रोजिन पेस्ट बनाना है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, बेरोजा की डरी को आपको मेल्ट कर लेना है, इस तरीके से किसी भी डिब्बी में रख लेना है और उसको मेल्ट कर देना है, जो कि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको फ्लैक्स पेस्ट बनाना है, जो कि मार्केट में बहुत सारे महंगे से महंगे फ्लैक्स पेस्ट आते हैं तो उसको बनाना है, तो आपको सस्ता वाला फ्लैक्स पेस्ट खरीद लेना है, जो कि मैं एम टेक का यूज कर रहा हूँ। ये सबसे सस्ता फ्लैक्स पेस्ट आता है, जो कि 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में डिब्बी मिल जाती है। और इससे भी सस्ता यूज कर सकते हैं, जो 50 ग्राम 100 ग्राम की डिब्बी आती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 50% फ्लैक्स पेस्ट डालूंगा और 50% रखूँगा, 50% से ज़्यादा रखूँगा बेरोजा, जो कि रोजिन इंग्लिश में रोजिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट 50% से कम डालना है यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जो बेरोजा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। जो महंगे वाले फ्लैक्स पेस्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिक का हो गया, सनशाइन का हो गया, रिलाइफ का हो गया, और भी मार्केट में बहुत सारी फ्लैक्स पेस्ट मिल जाती हैं और उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर उससे कंपेयर करें तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा और आपको उसकी अपेक्षा में ये बेहतर लगेगा। इसमें आपको कोई केमिकल भी नहीं मिलाना पड़ रहा है, ये नुकसानदायक भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और सस्ता फ्लैक्स पेस्ट बन जाता है। तो मैंने एक वीडियो देखा था यहाँ पर संदीप जी का, तो वाकई में उन्होंने वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक अगर हमारी मार्केट में ये बेरोजा मिलता है तो इस पर प्रैक्टिकल किया जाए और कैसे वर्क करता है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाए। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा संदीप जी को, जो कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी अपनी वीडियो में शेयर किया। और यहाँ पर जो वॉइस है मैं बाद में जोड़ रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट है, वाकई में मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई भी फ्लैक्स पेस्ट यूज नहीं किया है, इतना अच्छा रिजल्ट इसका रहा है। तो वैसे मैंने महंगे वाला अभी तक फ्लैक्स पेस्ट यूज नहीं किया है, और इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि इसका जो फ्लैक्स पेस्ट बना है इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अभी तक मैंने सस्ते वाले ही यूज किए हैं, बट उसकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। तो इसको आपको मेल्ट कर लेना है, दोनों को मिला लेना है, किसी भी चीज़ से इसको घुमाते रहना है और इसको बराबर मात्रा में मिला लेना है। और SMD का टेम्परेचर वो 200 से 250 या 300 तक आप रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं, आपको सिर्फ इसे मेल्ट करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से घुमा लेना है, अच्छी तरह से मिल जाएगा ये, उसके बाद आपको किसी भी डिब्बी शीशी कहीं पर भी इसे रख लेना है, नहीं तो आप इंजेक्शन पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके मार्केट में ये मिलता है, बेरोजा मिलता है पंसारी दुकान से, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, 10 रुपये का ही ले लेना, 5 रुपये का ले लेना, 10 का ले लेना, तो आप एक बार ज़रूर इसे यूज करना, उसके बाद आप रिजल्ट बताना कमेंट के थ्रू कि कैसा रिजल्ट है। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
जो कि यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट भी किए थे, कुछ इससे लगाकर भी देखा था, और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मैं क्या बोलूँ कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा रिजल्ट देखा नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा फाड़ू इसका रिजल्ट है। आप चाहें तो होममेड बना सकते हैं इसे, जो कि 20 रुपये का बेरोजा बहुत आया, 100 ग्राम बहुत है, और ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला है, जो कि मार्केट में 200, 300, 500 तक की फ्लेक्स पेस्ट आती हैं और उनको टक्कर दे सकता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैंने मेल्ट कर लिया है और अच्छी तरह से यहाँ पर मिल चुका है। थोड़ा कलर का अंतर लगेगा आपको, क्योंकि जो कंपनी है वो केमिकल लगाकर उसको थोड़ा निखार दे देती है और थोड़ा आपको अच्छा लगता है, बट वो केमिकल का होता है तो वो हमारे लिए भी थोड़ा नुकसानदायक होता है। बट इसमें ज़्यादा कुछ हमारे लिए केमिकल नहीं मिलाना पड़ा है। तो आपके पास कोई भी डिब्बी हो, डिब्बी में इसे रख लेना है, नहीं तो आप इंजेक्शन पेस्ट बना सकते हैं, इंजेक्शन में इसे लगा सकते भर सकते हैं, और आप जब चाहें जब इसे यूज कर सकते हैं, और अच्छा से काम करता है। थोड़ा ये जम जाएगा, इतना नहीं जमेगा, मीडियम रहेगा। मैंने काफ़ी समय यूज किया, उसके बाद जैसे ये कूल हो गया उसके बाद देखा तो इतना ज़्यादा जमा नहीं था, बट सॉफ्ट रहा था, जो कि हम यूज करते हैं इंजेक्शन पेस्ट बिल्कुल उसी की कंपेयर में उसी तरह काम कर रहा था। बट ये आगे नीडल लगा हुआ है, नीडल से पार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये नीडल है वो थोड़ा बारीक था इसलिए शायद। तो इसकी नीडल भी मार्केट में मिल जाती है, आप चाहें तो नीडल भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ, एक दो टांके भी लगा के दिखा देता हूँ जंपर करके। तो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है ये, आप चाहें तो इसे ऑफलाइन खरीद सकते हैं 10 रुपये का, ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और ऑफलाइन बेहतर रहेगा। आप पंसारी की दुकान पर जाना है और उनसे बोलना है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलती हैं तो शायद वो ना समझेंगे, तो उनसे बोलना है डरी वाला बेरोजा चाहिए हमारे लिए, तो वो दे देंगे। मेरे यहाँ पर 20 रुपये का 100 ग्राम दिया है, तो आप भी ले सकते हैं, और अगर आप इसे रोजिन बोलेंगे इंग्लिश में तो शायद वो ना समझे और ना दे, और आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना और फोटो दिखा कर भी आप ले सकते हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर। और भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं निकाल के दिखा देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है, और ऐसा भी नहीं है कि मदरबोर्ड पर ये जम जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने जो प्लग पेस्ट है वो बनाया हुआ है या फिर मार्केट से ख़रीदा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका, और आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपने यूज किया है तो कैसा रिजल्ट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी मोबाइल से रिलेटेड वीडियो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और न्यू ट्रिक लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।